Hello students, in our previous lecture we started with our unit first, that is living world. We discussed what is life and a few characteristics of living beings. We studied two characteristics in our previous lecture, that is definite shape and organization. So continuing with our topic, let us move up to third characteristic feature of living things, and that is growth and development. You know, all living organisms show growth and development. जितने भी living organisms हैं वो grow भी करते हैं और वो development भी show करते हैं. Growth क्या है? ये एक overall increase है किसी भी organism के साइज, वेट और वॉल्यूम में. जब इंक्रीज है, जब बढ़ोतरी होती है, तो हम उसको ग्रोथ कहते हैं. जबकि डेवलपमेंट जो है, ये किसी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल चेंजेस आती हैं उसके एक पूरे लाइफ स्पैन में, उसके लाइफ टाइम में जितनी वो चेंजेस शो करता है, दैट इज डेवलपमेंट. अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं या वो मल्टीसेलुलर हैं, वो सब ग्रो करते हैं. और ये जो ग्रोथ है ये किसकी वजह से होती है? जब सेल्स डिवाइड करते हों, जब सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करते हों, तो उस समय ग्रोथ होती है. ग्रोथ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है. प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो उनकी पूरे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहती है. वो अपने पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं उनकी रूट टिप पे, उनकी शूट टिप पे, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक एरियाज़ कहते हैं. और वहाँ पे वो सेल्स होते हैं जो अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं बार बार डिवाइड होने की. जो एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ एक सर्टन स्टेज तक होती है, उसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं. जब उनका एक फिक्स साइज जो है वो अचीव हो जाता है, फिर उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और वो फिर सिर्फ वहाँ पे कोई वार्न आउट सेल्स जो हैं उनको भी रिप्लेस करते हैं. तो ग्रोथ जो है, इट इज़ द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अ सेल एंड ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म. वेयर एज डेवलपमेंट इज द सम ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. A multicellular organism increases its mass by cell division. In plants, growth continues throughout life as they have meristematic areas where cell division occurs regularly. In animals, growth occurs to a certain age, after which cells divide only to replace worn out and lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. However, some non-living articles can also increase in size. हम देखते हैं कि जो non-living चीज़ें हैं उनका भी size बढ़ता है. जैसे mountains हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं, तो हम देखते हैं मतलब समय के साथ उनका size जो है वो increase होता जाता है. या यूं कहें, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो कूड़े का ढेर है, वो हम देखते हैं कि समय के साथ लोग वहाँ पे कूड़ा डालते जाते हैं, डंप करते जाते हैं, तो वो ढेर जो है कुछ दिनों में उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी भी ग्रोथ होती है. अब नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं उनमें जो ग्रोथ है वो किस वजह से होती है? कि सिमिलर सब्सटेंसेस जब बाहर से उनमें ऐड होते हैं तो वहाँ पे वो नॉन लिविंग चीज़ों में उस तरह से ग्रोथ होती है, लेकिन जो लिविंग चीज़ें हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है. वहाँ उनके अंदर सेल्स का नंबर और साइज इंक्रीज करता है, तो वहाँ इंटरनल ग्रोथ होती है. हाउएवर, सम नॉन लिविंग आर्टिकल्स कैन इंक्रीज इन साइज, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, बोल्डर्स, स्टोन्स एट्सेट्रा. इट इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटीरियल्स टू देयर आउटर सरफेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन. वेयर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो
internal growth due to addition of materials and formation of cells inside the body. This process is called intussusception. The fourth character of living things is reproduction. और आप सब जानते हो reproduction क्या है? Reproduction है जब एक organism अपने जैसे नए organisms produce करता है, नए organisms को जन्म देता है, उस process को हम कहते हैं reproduction. Reproduction is the continuity of race. ये वो process है जिसमें एक ही type के organisms आगे अपना number बढ़ाते हैं, अपनी population को बढ़ाते हैं और अपने अपनी रेस को भी आगे कंटिन्यू रखते हैं. रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से हम नए ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, पैदा हो सकते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके फ्यूजन से जो ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो वो आगे मतलब उनके जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं. और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं. लिविंग चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रिप्रोड्यूस होती हैं. कुछ एक ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, वो कुछ एक एनिमल्स हैं जैसे म्यूल्स हैं या फिर हनी बीज में जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टराइल होते हैं, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग चीज़ों का एक खास करेक्टर है जबकि नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं. तो कमिंग ओवर टू रिप्रोडक्शन, All the living organisms have a property to produce more of its own kind by the process called reproduction. Reproduction is of two types, asexual and sexual. Asexual reproduction is the formation of new individuals from specialized or unspecialized parts of a single parent without the formation and fusion of gametes. It occurs by spores or sporulation and binary fission, जिसमें कि एक सेल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो दो में डिवाइड हो जाता है. मल्टीपल फिशन, जिसमें एक ही सेल से बहुत सारे अंदर सेल्स बनते हैं एक, और फिर उसके बाद वो जो उसकी कॉमन कवरिंग जो है, जो आउटर कवरिंग होती है वो ब्रेक होती है और उसमें से सारे जो नए सेल्स बने हैं वो बाहर निकलते हैं और हर सेल जो है वो एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन है कि एक ही पार्ट के अलग अलग मतलब बहुत सारे पीसीस होते हैं, जैसे स्पायरो वगैरह है तो हर एक पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है कि एक जैसे अर्थवर्म है उसको अगर हम कट कर दें बीच में से, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक एक इंडिविजुअल बनाते हैं तो वो रीजनरेशन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. There are a few organisms which do not reproduce, for example, mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Non-living things, however, do not reproduce or replicate. तो बच्चों आज हम ये दो characters मैंने आपको बताए हैं living things के, तो आप इनको अच्छे से study कीजिए तो next time हम अगले characters पढ़ेंगे. Thank you.